हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज अड्डा। तो आज के वीडियो में हम इंडोल के बारे में देखने वाले हैं। इंडोल जिसे 2,3 बेंजो पायरोल भी कहा जाता है। तो इस चैप्टर के और बहुत सारे वीडियोस कंप्लीट हो चुके हैं जो कि आप लोगों को मेरे चैनल में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में बीएससी थर्ड ईयर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप जरूर चेक करें। तो इंडोल से जो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है आपका फीसर इंडोल संश्लेषण, फीसर इंडोल सिंथेसिस, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें हम ये देखेंगे कि हम इंडोल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को इंडोल के बारे में ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो इंडोल क्या होता है, यहाँ पे आप देखिए इंडोल किन किन चीजों से मिल करके बना होता है। तो इंडोल का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देखोगे बेंजीन रिंग और पायरोल, दोनों रिंग आपस में जुड़ करके इंडोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से होता है इंडोल का स्ट्रक्चर। पायरोल के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हूँ, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड चैप्टर का ही ये टॉपिक है। और बेंजीन आप लोग फर्स्ट ईयर में जरूर पढ़े हो। तो दोनों रिंग आपस में जब जुड़ते हैं तो ये जुड़ करके इंडोल का फॉर्मेशन करते हैं। तो चलिए नंबरिंग की अगर मैं बात कर दूं तो यहां से हम नंबर डालेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो इस तरीके से हम नंबरिंग करते हैं और ये है आपके इंडोल का स्ट्रक्चर। तो मेन हमारा टॉपिक यही है। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें बेंजीन रिंग तथा पायरोल रिंग एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, ये क्या कहलाता है आपका इंडोल। अब देखिए इंडोल आखिर पाया कहाँ जाता है, तो जो चमेली का फूल होता है, फिर जो संतरे का फूल होता है, फ्लावर में इंडोल पाया जाता है। क्लियर हुआ आपको? अब चलिए हम लोग इंडोल फीसर इंडोल संश्लेषण देखते हैं, फीसर इंडोल सिंथेसिस। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि हम इंडोल का फॉर्मेशन कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें देखिए क्या कहा जा रहा है, जब पायरूविक एसिड CH3COCOH के फेनिल हाइड्रोजोन को ZnCl2 के कैटलिस्ट के साथ गर्म किया जाता है तो इंडोल प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है पायरूविक एसिड फेनिल हाइड्रोजन का, तो ये है आपका फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम लोग ZnCl2 के प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट है मतलब उत्प्रेरक है, उसके प्रेजेंस में हम लोग इसका रिएक्शन कराते हैं, मतलब गर्म करते हैं, तो हमें इंडोल प्राप्त होता है। बट यहाँ से NH3 का एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड का भी एक मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा। तो ये सब कैसे होगा, मैकेनिज्म हम 4 से 5 स्टेप में समझेंगे, बहुत ही इजी टॉपिक है। तो क्लियर हुआ आपको फीसर इंडोल सिंथेसिस क्या होता है। पायरूविक एसिड फेनिल हाइड्रोजन जब ZnCl2 कैटलिस्ट के प्रेजेंस में जब इसे हम गर्म करते हैं तो यहां से अमोनिया और अमोनिया गैस, यहां पे देखिए NH3 और CO2 का एक मॉलिक्यूल और NH3 का एक मॉलिक्यूल यहां से रिलीज होता है और फाइनली हमें इंडोल प्राप्त होता है। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन करती हूँ, वेरी इजी है, 4 से 5 स्टेप में हम इसका मैकेनिज्म भी कम्प्लीट करेंगे। तो यहां से स्टार्ट करते हैं गाइस हम मैकेनिज्म। तो देखिए 4 से 5 स्टेप में आपका ये मैकेनिज्म कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले जो आपका पायरूविक एसिड के फेनिल हाइड्रोजन है, ये हम लोग स्ट्रक्चर यहाँ पे लिख लिए हैं यहाँ पर। अब हम लोग इसका देखते हैं टॉटोमेरिज्म होगा। टॉटोमेरिज्म मतलब क्या होता है, जो भी इस कंपाउंड के एटम्स होंगे वो अपने आप को अरेंज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन है वो यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब इस तरीके से वो जो एटम्स होते हैं अपने आप को अरेंज करेंगे। तो देखिये इसमें क्या होगा, ये जो आपका CH3 है उसमें का जो एक हाइड्रोजन है वो इस N के साथ आकर के जुड़ जाते हैं और सिंपल कुछ नहीं है, बाकी सब एज इट इज रहेगा। तो जब एक हाइड्रोजन एटम यहां से निकलेंगे तो स्वाभाविक सी बात है बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर शिफ्ट हो जाएगा और कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ जाएगा। और जब ये हाइड्रोजन यहां पर शिफ्ट होते हैं नाइट्रोजन पर, तो उससे पहले क्या होता है, ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होते हैं, जो डबल बॉन्ड है आप देख रहे हो यहां पर शिफ्ट हो, क्यों होगा, क्योंकि यहां पर निगेटिव चार्ज आएगा तभी ये क्या होगा, हाइड्रोजन यहां पर आकर के जुड़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो डबल बॉन्ड था वो अब केवल सिंगल बॉन्ड रह गया है और ये जो सिंगल बॉन्ड था वो डबल बॉन्ड रह गया। ऐसा क्यों हुआ है, क्योंकि यहां पर टॉटोमेरिज्म हुआ है, दूसरा एक हाइड्रोजन एटम अपने जगह से हट करके दूसरे जगह पर आकर के जुड़ गया, मतलब नाइट्रोजन पर आकर के जुड़ गए हैं, तो बॉन्ड थोड़ा सा यहाँ पर चेंज हुआ है। तो ये चीज आपको देखना है। तो पहला स्टेप आपको क्लियर हुआ, देखिए क्या हुआ, यहाँ पर NH NH CCOOH और यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड, तो इस तरीके से हुआ, फर्स्ट स्टेप आपको कंप्लीट हुआ। अब हम लोग यहाँ पे H+ को ऐड करेंगे, तो देखिए ये जो H+ है वो इस N के साथ आकर के जुड़ जाएंगे, यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन एटम है वो इस N के साथ आकर के जुड़ जाएंगे और इस तरीके से आपका बन जाएगा NH2। यहाँ पे जो पहले NH था वो अब NH2 हो गया, बाकी पूरा एज इट इज सेम ही रहेगा। तो थर्ड स्टेप आपको क्लियर हुआ। अब फोर्थ स्टेप में देखिए क्या होगा, क्योंकि हमको क्या करना है, यहाँ पे इंडोल का फॉर्मेशन करना है। तो ये क्या होगा, ये जो आप CH2 देख रहे हो वो इस बेंजीन रिंग के इस पॉइंट पर जाकर अटैक करेंगे। तो ये जो आपका CH2 है वो इस तरीके से बेंजीन रिंग के इस पोजिशन पर आकर के बॉन्ड बना लेते हैं और जैसे ये बॉन्ड बनता है, यहाँ पर जो डबल बॉन्ड था वो अब क्या हो जाता है, केवल सिंगल बॉन्ड रह जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। तो
यहाँ पर जो NH2 और N के बीच बॉन्ड था वो भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये N जो है वो इस तरीके से बेंजीन के साथ जुड़ जाएंगे, डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो जैसे ये बॉन्ड ब्रेक होगा यहाँ पे आप देख रहे हो NH2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और ये जो आपका सिंगल बॉन्ड है वो डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से हुआ। अब देखिए लास्ट स्टेप में क्या होगा, जब हम लोग इसे 250 डिग्री सेल्सियस पे हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो यहां से कार्बन डाइऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल CO2, इस तरीके से CO2 यहां से बाहर निकल जाते हैं, मतलब यहां भी जो आपका COOH है वो COOH में से जो CO2 है वो बाहर निकल जाते हैं जब हम इसे गर्म करते हैं। और यहां पे जो आप देख रहे हो NH2 है वो एक एक हाइड्रोजन एटम के साथ जुड़ करके NH3 का मॉलिक्यूल बनाते हैं और ये भी यहां से बाहर निकल जाते हैं। बाकी आप देख सकते हो आपके पास क्या क्या बचा, CO2 तो यहां से निकल चुका है, केवल यहाँ पे CH बचा। तो ये क्या हो गया, आपका इंडोल का फॉर्मेशन हो गया। तो ये डबल बॉन्ड को हम लोगों ने इस तरीके से लिखा हुआ है, बाकी CH यहाँ पे कॉर्नर में आ जाते हैं और ये आपका NH, तो फॉर्मेशन हुआ आपका इंडोल का। तो क्लियर हुआ गाइस आपको आज का टॉपिक। बस यहाँ पे केवल आपको बॉन्ड्स में ध्यान देना है, किस तरीके से कौन सा एटम किसके साथ जुड़ रहे हैं और बॉन्ड कैसे चेंज हो रहा है, ये चीज आपको इसमें देखना होगा। तो क्लियर होगा इस आज का टॉपिक आप लोगों को। आई होप आज का वीडियो आप लोगों को समझ आया होगा एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।